वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं निफर मजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तीन ऐसी कंपनीज बताऊंगा जो ब्लू चिप कंपनी है। और स्टॉक मार्केट आपको पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलंदियों को छू रही है, और जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की वो 56,000 पॉइंट्स को जो है वो टच कर गई है। टच क्या कर गई है, बल्कि इसको क्रॉस कर गई है। लेकिन जो तीन ऐसे ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनके जो शेयर्स हैं वो अभी भी नहीं बढ़े हैं, और अभी भी आपको एक ऐसी और एक अच्छी प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप उनके अंदर अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो 56,000 के ऊपर तो पहुँच चुकी है, लेकिन सुनने में अभी ये भी आ रहा है, और अगर फंडामेंटल को देखा जाए, पाकिस्तान के हालात को देखा जाए, तो ये जो मार्किट है ये 60,000 से 70,000 पॉइंट तक को है वो टच कर सकती है। तो अभी भी ये जो कंपनीज हैं इनके शेयर आपको एक अच्छे जो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे आपका कैपिटल भी गेन होगा, आपको डिविडेंड भी देखने को मिलेगा, तो ये तीन कंपनीज हैं जो मैंने डिसाइड की हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो आप इनको अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन कंपनीज के अंदर, तो ये कंपनीज आपको एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा डिविडेंड जो है वो दे सकती हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस हैं वो देखने को मिलती रहे। अब दोस्तों आ जाते हैं अपनी उन तीन कंपनीज की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, वो है यूनिलीवर ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। अब जब पाकिस्तान 40,000 की पॉइंट्स के ऊपर जो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो ट्रेड कर रही थी, तो उस वक्त भी जो इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 20,000 से 22,000 के दरमियान थी, और आज जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है अगर उसको देखा जाए तो आज 56,000 पॉइंट्स के ऊपर टच कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो यूनिलीवर की प्राइस है वो अभी भी 22,000 के ऊपर ही घूम फिर रही है। और यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर घर के अंदर इस्तेमाल होती हैं, इसका जो रेवेन्यू है उसने इंक्रीज ही होना है, डिक्रीज नहीं होना। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छी है, डिविडेंड देती है, सब कुछ देती है। और अगर मैं पिछले एक साल की यहाँ पे बात करूँ तो जो कंपनी ने अपना हाई यहाँ पे लगाया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि 25,000 तक पहुँच तक जो है ये कंपनी गई है, लेकिन उसके बाद ये एक साल तक जो कंपनी है वो अपने 21-22-23 तक ही जो है वो घूम रही है। और अगर हम पिछले 5 साल की इसके फंडामेंटल को थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये पिछले 5 सालों के अंदर भी 25-26 हज़ार तक ही गई हुई है जो इसने हाई लगाया है। तो अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है, कंपनी जो है कुछ पाकिस्तान के हालात भी जो है वो कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो चुके हैं, और कंपनी जो है वो एक अच्छी प्राइस जो अभी भी आपको यहाँ पे इसकी देखने को मिल रही है, और ये जो कंपनी है ये आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे लेकिन इस कंपनी का जो एक मसला आ जाता है वो ये कि इसका जो शेयर है बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन आप लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक, आपके पास जितने पैसे हैं आपने उस हैसियत के मुताबिक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो उस हिसाब से आपके पैसों से जितने यहाँ पे शेयर आपको देखने को मिलते हैं पॉइंट के हिसाब से आप यहाँ पे खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पे हो सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा जो आपको रेवेन्यू है वो यहाँ पे देखने को मिल जाए। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास जो कंपनी आती है वो है बाटा। बाटा आप सभी लोग जानते हैं कि एक ब्रांड है और एक इंटरनेशनल ब्रांड भी है, और पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा ब्रांड के नाम पे ही जानी जाती है। अब जो बाटा की जो कंपनी है दोस्तों वो इसकी जो प्राइस है वो इस वक्त 1650 रुपये चल रही है एक शेयर की जो प्राइस है। अगर मैं इसके पिछले एक साल की बात करूँ तो यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर भी कोई इतनी अच्छी इसने जो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। अगर इसके हाई की बात करें तो 1992 के ऊपर ये गई हुई है। अगर हम इसके पिछले 5 सालों की बात करें तो 5 सालों के अंदर ये जो कंपनी है तकरीबन 2200 जो इसके शेयर की प्राइस है 2200 रुपये तक गई है। अब हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं और ये जो इसकी प्राइस है आप देख सकते हैं कि अभी भी 1650 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो प्राइस है ये एक अच्छी और रिजनेबल प्राइस है। अगर आप इस प्राइस के ऊपर इस कंपनी के जो शेयर है उसको खरीदते हैं तो ये कंपनी भी आपको आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा रेवेन्यू देगी, और आने वाले दिनों के अंदर आपको एक अच्छे डिविडेंड के तौर के ऊपर ही आपको जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलता रहेगा, और आप वहाँ से भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये भी एक ब्लू चिप कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है बाटा, ठीक है। तो इसके जो प्राइस है वो देखें 2200 तक गई है। अगर आप आज इसको खरीद लेते हैं तो दोबारा से ये 2200-2300 के ऊपर जाती है तो आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, आपको डिविडेंड भी देखने को मिलेगा, तो आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी है। दोस्तों तीसरी और आखिरी जो कंपनी है जिसे मैं आप ऐसा कहेंगे अपनी एक फेवरेट कंपनी भी कहूँगा, जिसकी प्राइस भी एक रिजनेबल प्राइस है,
237 रुपये इसकी जो प्राइस है वो चल रही है। और अगर हम पिछले एक साल की अगर हम इसकी फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे इसका जो हाई था वो 273 के ऊपर गया हुआ था, ठीक है। पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी है ये तकरीबन 270 तक जो गई है, यानी कि पिछले एक साल के अंदर भी इसने अपना हाई जो है वो लगा दिया है। और यहाँ पे इसका अगर फुल हाई की हम बात करें पिछले 5 सालों के अंदर तो 368 रुपये के ऊपर भी ये कंपनी गई है। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के हालात बने, जो सब कुछ हुआ वो आप जानते हैं, उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा नीचे गिरी है। अब इतनी प्राइस नीचे गिरने के बाद यहाँ पे इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है वो 237 रुपये है। तो यूनिलीवर से और बाटा से, ये भी ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करनी है, अपनी रिसर्च के मुताबिक करनी है। तो मैं तो अपनी जो एटलस बैटरी है इसके ऊपर जो है सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर। और यहाँ पे इसकी एक तो प्राइस रीजनेबल है, 237 रुपये के अंदर आपको एक शेयर मिल रहा है। आप जब अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक अच्छे शेयर देखने को मिल जाएंगे। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है और बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। प्राइस 237 इस वक्त जो जिस हिसाब से पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है उस हिसाब से ये एक अच्छे और रीजनेबल प्राइस के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी फंडामेंटल तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी है। बैटरीज का आपको पता ही है कि ट्रैक्टर के अंदर इस्तेमाल होती है, यूपीएस के साथ इस्तेमाल होती है, और भी बहुत जगह जहाँ पर बैटरी इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बैटरी के बगैर तो गुजारा है ही नहीं है, सर्दियाँ आ गई हैं तो शायद इसलिए एक अच्छे रीजनेबल प्राइस में आपको देखने को मिल रही है। गर्मियों के अंदर इसके शेयर जो है वो शायद और भी बढ़ जाए क्योंकि इनकी सेल जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कंपनी फंडामेंटल भी अच्छी है, हाई का अगर देखा जाए तो वो भी अच्छी है, और आने वाले दिनों के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा डिविडेंड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन तीन कंपनी में से आप किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी आपको पसंद आई है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को अपने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।